नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल शर्मा। टेक स्टफ के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आज की वीडियो शुरू करेंगे। बट उससे पहले, नोकिया का ये जो 2.4 स्मार्टफोन है, इसकी अनबॉक्सिंग हमारे चैनल पे ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया, पहले ये वाली वीडियो देखो, उसके बाद जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकती है। मैंने एक बहुत ही वो बड़ा सा फोन पकड़ रखा है, वो वाला जो वीडियो है ना, वो नोकिया 2.4 स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग का वीडियो है, थंबनेल ओपी। अगर आपको थंबनेल पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और आज की वीडियो का लाइव टारगेट फिर से हम लेके चलते हैं 2500 का। मैं सीधा हो जाता हूं और आज की वीडियो शुरू करती है फिर से नोकिया के साथ। नोकिया 2.4 स्मार्टफोन फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसकी प्राइसिंग है 10,399 रुपीस। दैट इज 10,400 रुपए से एक रुपया कम। एक रुपए में आप ये शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल ले सकते हो। मैंने अभी कुछ टाइम पहले खरीदी है। अब यार, जब ये स्मार्टफोन मेरे पास रिव्यू के लिए आया था, मेरी एक्सपेक्टेशन स्मार्टफोन को लेकर यह थी कि ये 6 से 8 या 10 हजार का, मतलब बिलो 10,000 वाला स्मार्टफोन होगा। कंपनी ने यहां पर 10,500 का स्मार्टफोन को लॉन्च करके मेरे को लग रहा है कुछ गलती की है। और मेरे हिसाब से नोकिया 2.4 स्मार्टफोन को have been price better, overpriced जो टैग है, मेरे हिसाब से इसको यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। Still, ये मेरे ओपिनियन है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है स्मार्टफोन की, मतलब अच्छी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, डिस्प्ले इज गुड, स्टॉक एंड्रॉइड है, बट स्टिल 10,400 रुपए प्राइस यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि जस्टिफाइड है। आपको क्या लगता है, क्या नोकिया 2.4 स्मार्टफोन का ये जो प्राइस टैग इंडिया के लिए कंपनी ने अनवेल किया है, इज इट जस्टिफाइड और नॉट? कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इन्फिनिक्स की तरफ। आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स 08i स्मार्टफोन इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। ये कोई लीक नहीं था, कंपनी ने खुद ही बोला था कि 2 दिसंबर को हम स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करेंगे। उसके साथ में हमें देखने को मिलेगा एक एंड्रॉइड टीवी और स्नोकोर सब ब्रांडिंग वाला एक साउंड बार। अब ये तीनों चीजें जो है ना, वो पोस्टपोन हो चुकी है, मतलब 2 दिसंबर को लॉन्च होनी थी, अब आपको एक दिन और वेट करना पड़ेगा। 3 दिसंबर को आपको ये स्मार्टफोन और ये बाकी चीजें देखने को मिलेंगी इंडिया में। कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि बिकॉज ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस इनकी लॉन्च जो है वो डिले हो चुकी है। कितने लोग वैसे वेट कर रहे थे इन्फिनिक्स 08i स्मार्टफोन का, आप कमेंट सेक्शन में तो आप हमें बता ही सकते हैं। बट अगर आप वेट कर रहे थे, अब आपको एक दिन और वेट करना पड़ेगा। और गाइस, वेटिंग की अगर हम बात करें तो माइक्रोमैक्स इन 1B स्मार्टफोन की आज सेल थी इंडिया में। अगर आपको नहीं पता तो चलो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज माइक्रोमैक्स इन 1B स्मार्टफोन की सेल को कैंसिल कर दिया गया है। माइक्रोमैक्स ने मेरे को भी रीच आउट करके बताया कि लॉजिस्टिक्स की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिनके चलते इन 1B हम आज सेल पे नहीं रख पाए। अब अगर आप वेट कर रहे थे स्मार्टफोन का, आई एम रियली सॉरी टू से, बट इंडिया में आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। वैसे अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी माइक्रोमैक्स इन 1B स्मार्टफोन की, मैंने ऊपर लिंक लगा दिया है कार्ड वाले सेक्शन में, जाके आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो अच्छा खासा एक एंट्री लेवल बजट स्मार्टफोन है। आई होप कि यार माइक्रोमैक्स इसको जल्दी से सेल पे ले आए। और कितने लोग यहाँ पे वैसे खरीदने में इंटरेस्टेड है माइक्रोमैक्स के इन 1B स्मार्टफोन को, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। गाइस, आगे बढ़ते हैं रियलमी की तरफ है। रियलमी ने कुछ टाइम पहले ग्लोबली और मतलब यूरोपियन मार्केट्स में लॉन्च किया था अपना रियलमी 7 5G स्मार्टफोन। और रियलमी 7 5G एक्चुअली में रियलमी V5 का एक रीब्रांडेड वेरिएंट है, जो कि ग्लोबल मार्केट में कंपनी ने अनवेल किया है। मैंने आपको बताया था कि रियलमी 7 5G स्मार्टफोन जल्दी ही हमें एशियन मार्केट्स में भी देखने को मिलने वाला है, और यही हुआ है। थाईलैंड में रियलमी 7 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गया और इसकी प्राइसिंग रखी गई है 9,999 baht, मतलब थाईलैंड की जो करेंसी है BHT, उसमें 9,999 इसकी प्राइसिंग है। अगर आप इसको स्ट्रेट वे कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज में तो वो बनते हैं 24,000 रुपए, दैट इज 24,000 रुपीज। आई एम प्रीटी श्योर कि जब ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा, इतना महंगा तो नहीं होगा, बट एशियन मार्केट में अब रियलमी 7 5G स्मार्टफोन घुस चुका है। सो दैट मीन्स इंडिया में भी हमें ये स्मार्टफोन जल्दी ही देखने को मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ। एंड सैमसंग ने इस साल लॉन्च किए थे अपने सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप और सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 2 स्मार्टफोन्स। अब अगले साल इनके सक्सेसर्स लॉन्च होंगे 2021 में, और सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 3 स्मार्टफोन अगले साल लॉन्च होने वाला है। 2 कहां गया सैमसंग जाने, बट मेरे को ये लग रहा है कि यार सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 3 और Z फ्लिप 3 ये स्मार्टफोन्स ना थोड़े मतलब नाम सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, इसलिए कंपनी ने 2 जो मॉनिकर था उसको स्किप करने की सोच ली है। नाम तो चलो जो होगा जैसा होगा टाइम बताएगा, बट सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 3 स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस यहां पे लीक हो चुकी हैं। नोटेबली गैलेक्सी Z फ्लिप 3 में आपको देखने को मिलेगी एक 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट डिस्प्ले। जो आउटर डिस्प्ले है बाहर का, उसको जब आप ऐसे करते हो ना, बाहर थोड़ा सा नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए छोटा सा डिस्प्ले था, वो इस बार 2 to 3 times ज्यादा बड़ा होगा। सो ये अच्छी चीज है। बैटरी की बात करें तो बैटरी भी यहां पे अच्छी होगी, 3900 mAh की आपको इसमें डुअल सेल बैटरी देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करें स्मार्टफोन की प्राइमरी डिस्प्ले की, तो वो होगी 6.9 inches की, और ये क्रीज जो होगी ना उसमें, जो फोल्ड करने के बाद क्रीज आती है ऐसे या ऐसे, वो यहां पे इस बारी सुनने में आ रहा है कि कम होगी। कितनी कम होगी ये तो टाइम बताएगा, जितनी कम होगी उतना प्राइस बढ़ता जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस और क्रीज। अब देखते हैं जो होता है ये तो टाइम हमें बताएगा, बट सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 3 की स्पेसिफिकेशंस यहां पे लीक हो चुकी हैं।
और गाइस इन्फिनिक्स का चलो स्मार्टफोन जो था उसकी लॉन्च इवेंट डिले हो चुकी है, माइक्रोमैक्स इन 1B स्मार्टफोन की सेल डिले हो चुकी है, बट एक स्मार्टफोन कंपनी है जो यहां पे चीजें प्रीपोन कर रही है, दैट इज मोटोरोला। मोटो जी 5G स्मार्टफोन इनिशियली प्लान ये था कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में लॉन्च होगा, 8 दिसंबर को इसकी लॉन्च डेट मतलब ऑलमोस्ट 99% कंफर्म थी, बट यहां पे मार्केट प्रेशर जो चल रहा है ना, क्योंकि वीवो V20 प्रो स्मार्टफोन भी लॉन्च हो रहा है वो भी 5G होगा, सो मोटो ने यहां पे लॉन्च डेट को प्रीपोन कर दिया है। अगर आप वेट कर रहे थे मोटो जी 5G स्मार्टफोन का, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, 30th November मतलब आ रहा है बस, ये रहा राइट अराउंड द कॉर्नर, 30th November को मोटो जी 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अब इसकी प्राइसिंग 20-22 हज़ार के आसपास होगी, क्वालकॉम का आपको यहां पे 5G चिपसेट देखने को मिलने वाला है 7 सीरीज का, सो इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, स्टॉक एंड्रॉइड है, कोई एड नहीं है, ये है वो है, अगर आप स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। गाइस वीवो की अगर आप बात करें तो वीवो V20 सीरीज अभी मतलब खत्म नहीं हुई, V20 प्रो अभी इंडिया में लॉन्च होना है, और यहां पे एक एक्सक्लूसिव लीक निकल के आ चुके हैं कि वीवो V21 सीरीज भी हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है, और एटलीस्ट चाइना में V21 सीरीज जो होगी फरवरी 2021 में लॉन्च होगी, सो इसके 2 महीने के आसपास हम इंडिया में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें वीवो V21 सीरीज देखने को मिलने वाली है। गाइस आगे बढ़ते हैं ओप्पो की तरफ, एंड ओप्पो रेनो 5 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स भी अब आई मतलब दिसंबर में ये स्मार्टफोन सीरीज जो है चाइना में लॉन्च होगी, और जनवरी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सीरीज हमें इंडिया में भी देखने को मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब इस सीरीज का जो प्रो वेरिएंट था ओप्पो रेनो 5 प्रो, ये 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आज सर्टिफाई हो चुका है, और 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग फाइनली कंफर्म हो चुकी है। पहले स्पेकुलेशन चल रही थी, लीक्स निकल के आए, मैंने भी आपको ये बोला था कि 65 वॉट्स ही होगी, यहां पे 3C सर्टिफिकेशन ने एक ऑफिशियल स्टैंप लगा दी है कि आपको 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग ही देखने को मिलने वाली है। बट ये तो है ये ओप्पो का रेनो 5 प्रो स्मार्टफोन, डिजिटल चैट स्टेशन जी ने ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस स्मार्टफोन भी यहां पे लीक कर दिया, वो कह रहे हैं कि तीसरा जो स्मार्टफोन था क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 वाला, उसका नाम ये होगा प्रो प्लस। अगले साल वैसे कंपनीज लॉन्च करेंगी ओप्पो रेनो 7 प्रो प्लस अल्ट्रा हाई गॉडली एडिशन, मतलब क्यों ऐसे अजीब अजीब नाम रखे जा रहे हैं भगवान जाने, बट यस अगर हम बात करें ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस स्मार्टफोन की, तो इस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलने वाला है एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, क्वाड रियर कैमरा सेटअप होगा, फ्रंट कैमरा भी यहाँ पे अच्छा खासा 32 मेगापिक्सल का होने वाला है, 4500mAh बैटरी, 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग, 90Hz का 5V डिस्प्ले, और ऑफकोर्स क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर हमें ओप्पो रेनो 5 प्रो प्लस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। और गाइस आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ, बट बिफोर दैट अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड वंस अगेन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, नीचे ये सब्सक्राइब वाला बटन और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा सकते हैं, सो दैट आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके डिवाइस पे मिलती रहे। और आगे बढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजों की बात करते हैं, सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज ऑफकोर्स इंडिया में भी लॉन्च होगी, 14 जनवरी 2021 को ये सीरीज लॉन्च होने के चांसेस बन रहे हैं, लीक्स वगैरह निकल के आ रहे हैं, बट अब एक नई रिपोर्ट निकल गई है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोगों को फ्रस्ट्रेट भी करने वाली है। कितने लोगों को यहां पे बिक्सबी बटन याद है, एक बिक्सबी ना सैमसंग का टेक था गूगल असिस्टेंट का अल्टरनेटिव निकालने का, सैमसंग कह रहा है कि नहीं हम आपको बिक्सबी देंगे, गूगल असिस्टेंट यूज मत करो, बिक्सबी इज बेटर। अब मेरे को तो उस बटन से कोई दिक्कत नहीं थी, बट यू नो 50-50 हमेशा ऑडियंस रही है कि यार हमें बिक्सबी चाहिए और हमें बिक्सबी बिल्कुल नहीं चाहिए, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती उसकी शक्ल। अब यहां पे सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज जो होगी ना उसमें बिक्सबी रिटर्न करेगा और बहुत ही अलग तरीके से रिटर्न करेगा, यहां पे बिक्सबी वॉइस जो होगी वो आप बायोमेट्रिक की तरह यूज कर सकते हो अपने गैलेक्सी S21 सीरीज को अनलॉक करने में, मतलब हेलो बिक्सबी या हे बिक्सबी अनलॉक माय फोन, आई डोंट नो वेदर इट्स अ सेफ आइडिया, मतलब अगर किसी ने मेरे यहां पे चाकू रखा और बोल रहा कि उसको बोल फोन को अनलॉक करने के लिए तो मेरे को बोलना पड़ेगा, खैर वो तो वो मतलब करवा भी सकते हैं, बट या जो भी है जैसा भी है ये बिक्सबी वॉइस फॉर बायोमेट्रिक आपको सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज में देखने को मिलने वाली है। और गाइस बात करें Xiaomi की तो Xiaomi के सब ब्रांड Redmi की Redmi Note 9 सीरीज आज लॉन्च होने वाली है 5:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, सो ये वीडियो आपको 5 बजे देखने को मिलेगी, बट Redmi Note 9 सीरीज को मैं कवर करने वाला हूं ट्विटर पे, हो सकता है लाइव स्ट्रीमिंग आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाए, और सुबह के टेक्स्ट अप में मैं इसके बारे में पूरी बातें आपको वैसे भी बताने वाला हूं। Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G और Redmi Note 9 Pro 5G ये 3 स्मार्टफोन आज लॉन्च होने के चांसेस हैं, इनके अलावा Redmi Watch भी आज लॉन्च होने वाली है। ये चीजें रही Redmi की, बट आज की वीडियो खत्म
करेंगे हम पोको के साथ, और पोको M3 स्मार्टफोन आज ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुका है, और हिंट्स आ रही है कि इंडिया में और बाकी एशियन मार्केट में भी हमें पोको M3 स्मार्टफोन जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। अब अगर आप पोको M3 का ज्यादा वेट नहीं कर रहे थे तो चलो आपको कुछ यहाँ पे खुश करते हैं। पोको का एक और स्मार्टफोन जो कि एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन नहीं होगा, जनवरी 2021 के एंडिंग या फरवरी में ग्लोबली लॉन्च होने वाला है, और इंडिया में भी ये स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है, ऐसा मेरे को मेरे सोर्स ने बताया है। अब ये F2 होगा या क्या होगा ये मैं आपको जल्दी बता दूंगा, बट यस पोको का एक ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला मिड रेंज वाला मतलब अच्छी खासी स्पेसिफिकेशंस फीचर्स वाला स्मार्टफोन हमें 2021 के जनवरी एंड के आसपास देखने को मिलने वाला है। गाइस वीडियो करते हैं खत्म, बट उससे पहले देख लेते हैं स्टफ यू शुड नो। अनुपम पुजारी जी ने एक स्टिफ यू शुड नो दिया आज, वो कह रहे हैं स्टफ यू शुड नो पसंद नहीं आता मेरे को, मैं हैशटैग चेंज करता हूं। वो कह रहे हैं एलेक्सा स्टोर्स योर डायलॉग हिस्ट्री टू इट्स क्लाउड टू हेल्प इंप्रूव योर एलेक्सा एक्सपीरियंस। That's some interesting stuff that we all should know. So, जो भी आप डायलॉग विलॉग मारते हो ना एलेक्सा को थोड़ा ध्यान से मारा करो, नहीं तो वो अगली बार आपको बता देगा कि आप इतने सुंदर हो तो आप क्या करो। If you know what I mean. चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। और वीडियो खत्म करने से पहले देखते हैं कल के बेस्ट कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट हम लोगों को बहुत पसंद है, आज की वीडियो में भी कमेंट कीजिए सो दैट आपके कमेंट्स में ऐसे ही टेक्स्ट स्टफ में फीचर करता रहूं। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट पहले देख लेते हैं कल का पोल। कल मैंने आपसे पूछा था कि यार अगर प्रोडक्ट अच्छा हो तो क्या आपको रीब्रांडिंग से फर्क पड़ेगा। 82% लोग कह रहे हैं नहीं पड़ेगा, 18% लोग कह रहे हैं मुझे तो घना फर्क पड़े सर। तो अब देख लो ये है स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी का वोट पोल। आप लोग कह रहे हो कि अगर रीब्रांड हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, फोन अच्छा होना चाहिए भाई, मेरा काम चलना चाहिए। पीछे की तरफ एम्बार्को वाला फोन उठा के दिखाने लगा था, पीछे की तरफ जो लोगो वोगो लगा होता है उससे मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सो यस मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज को मानता हूं, बट स्टिल मैं ये भी कहूंगा कि नए फ्रेश आइडियाज फ्रेश कॉन्सेप्ट हमें स्मार्टफोन्स में हमेशा ही देखने को मिलने चाहिए। शाम की टेक स्टफ दिन की तीसरी वीडियो हो सकता है चौथी भी आ जाए, वीडियोस की कमी आपको मैं कभी नहीं होने दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड वंस अगेन कल सुबह 9 बजे फिर से मिलेंगे। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस, जय हिंद।